अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मस्जिद अक्सा का ये मंजर पहली 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 बार पेश किया जा रहा है। यहाँ कोई भी नहीं आया। हम दीवार के बाहर और दीवार के अंदर चार क्वार्टर फिर के पैदल पैदल तकरीबन हमें तीन घंटे हो गए और अभी मस्जिद फिरेंगे। और ये पहला ग्रुप है कि जो पूरा पैदल घूम रहा है। ये सामने देखें कुबत-ए-सखरा और मस्जिद क़िबली का ये मंजर, बैक साइड का मंजर इस तरह आपने कभी नहीं देखा होगा। अक्सर लोग यहाँ से आते हैं गाड़ी में लेके इस तरह चले जाते हैं। ये पूरा अल-क़ुदस का मंजर और ये सामने जो है जबले जैतून, ये देखें तूर पहाड़ जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज जब नीचे होंगे तो ऊपर जाके वहाँ दुआ करेंगे और जिक्र करेंगे, और जब वो हलाक हो जाएंगे तो फिर नीचे तशरीफ लाएंगे और फिर मस्जिद अक्सा में तशरीफ ले जाएंगे। ये वेस्टर्न वॉल की एंट्री है बस, और आप देख रहे हैं ये सामने वेस्टर्न वॉल है दीवार गिरिया, और ये आप देख रहे हैं मस्जिद क़िबली का ये आखिरी कोना जो खिड़की लगी हुई है, और यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं। आम लोगों का गुजरना ममनू है, सिर्फ अहले यहूद यहाँ से गुजरते हैं। ये पिछला हिस्सा है जहाँ रैंप लगा हुआ है। आमतौर पर ग्रुप यहाँ नहीं आते, कोई भी नहीं आता। हम वहाँ वहाँ से गुजरे हैं जहाँ तो हम नहीं गुजरे भाई, ऐसा हुआ है आज अल्हम्दुलिल्लाह। और ये साथियों की हिम्मत है भाई जी। आप बताएं, आप कोई कमेंट करें। मैं यही चाह रहा हूँ कि पूरा दिन यही चलता रहे, आपके नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है, हमारे में भी तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो आप जी शफीक भाई आप बताएं, आप बताएं कुछ। माशाल्लाह अभी जो वॉक हुई है माशाल्लाह वक्त करती है, वेरी मच वक्त करती है कि आप पहली दफा इधर आए। और गर्मी भी हो रही है, बच्चे हमारे साथ, हमारे पास बच्चे भी हैं, हमारे पास लेडीज भी हैं, अंकल आंटी भी हैं, उनकी हिम्मत को सलाम है कि वो इतनी अवार्ड देना चाहिए। चलें जी और बाहर निकलते हैं, एक और चीज दिखाते हैं। बाबुल मगारिबा अंदर से तो देखा आपने, लेकिन यहाँ से देखने है। ये देख हम बाहर निकल रहे हैं। ये देखें जी, जो दूर से हमें नजर आता था हम यहाँ से देख रहे हैं, वहां से ऊपर से हम देखते थे, लेकिन आज यहाँ बिल्कुल करीब देख रहे हैं। ये देखें हेरिटेज है, आसार कदीमा है, यहाँ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम रहा करते थे। ये देख रहे हैं, और इन्हें इस तरह इसको संभाल के रखा हुआ है, और वो देखें काम करने वाले काम कर रहे हैं इस पर। ये देखें ये वो जगह है जहाँ बाकायदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम रहा करते थे। उनकी कब्र उस तरफ है, ऊपर पीछे की तरफ वहां, और रहा यहां करते थे। ये है जी, देखें जी मस्जिद अक्सा क़िबली का बिल्कुल क़िबला रुख। आप ये देखें, ये इसके पीछे जो है मुसल्ला मरवानी है, ये आप देख रहे हैं, ये क़िबली है, और ये मस्जिद कदीमी है जहां से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्नातों ने फाउंडेशन खड़ी की थी। ये क़िबली और ये कदीमी जो नीचे उतरती है, दिस इज अ कदीमी मॉस्क, रिमेम्बर कदीमी मॉस्क। ये नीचे उतरे कदीमी मॉस्क, ठीक है, नीचे आप देखेंगे वो खिड़कियां नजर आ रही हैं कदीमी मॉस्क की, और ये पूरा दरवाजा है, यहां से दरवाजा था। और ये आप देख रहे हैं मुसल्ला मरवानी, ये सारा मुसल्ला मरवानी है, और ये मुसल्ला मरवानी उमवी दौर की तामीरात है, ये यहां रहा करते थे, उसके आसार कदीमा है। ये उमवी दौर की, बनी उमैया के दौर की ये तामीरात हैं, आसार कदीमा, और ये मुसल्ला मरवानी, और ये हजारों हजारों साल पुराना कब्रिस्तान अहले यहूद का, एक एक कब्र कम से कम 2-2 मिलियन पाउंड की। मेरे दोस्त पाकिस्तान के डॉक्टर मानसा साहब, उन्होंने मुझे कहा था जब मैंने ये वीडियो बनाई थी इस इलाके में, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र के हवाले से, तो उस वक्त जरा जल्दी में थे और गाड़ियां खड़ी की थी, तो उन्होंने कहा कि वाकई में ये वही जगह है। तो वो जगह मैं बताता हूँ, और उनके लिए ख़ास तौर पर ये मैं बात कमेंट्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उनसे मैंने वादा किया था मैं रिकॉर्ड करके उनको भेजूँगा। ये वो खिड़की है जहाँ
हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसम फल मिला करते थे बगैर हिसाब। मुसल्लम मरवानी, मैंने बताया ना, ये मुसल्लम मरवानी के अंदर ये जगह है, और ये खिड़की मैं आपको दिखा देता हूँ करीब करके, ताकि ये वो खिड़की, ये हुजरा गोशा, इसके अंदर ये खिड़की है। ठीक है जी, बताइए डॉक्टर साहब, इतनी लंबी वॉक कभी आपने की है, और आपके लिए कोई नई वॉक है, क्या क्या वजह है? हम तो बस ग्रुप पे बड़ों से के जो छोटे भी हैं, मुझ समेत आप समेत सारे माशाल्लाह स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर हैं, सारी जिंदगी क्रिकेट खेली है, अभी भी स्पोर्ट्स के अंदर इन है, तो माशाल्लाह ये क्या होगा इससे हमें कि अभी आप इतना और चल लेंगे तो उससे क्या? राइट साइड, राइट 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 राइट, वी वॉकिंग राइट, आप इतना और ले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? खवातीन की हिम्मत है बच्चों की, और बच्चों की तो माशाल्लाह वो तो दाद के काबिल है भाई। अगली दफा का जो काफिला है ना, उसको चैलेंज है, अगर वो मेरे साथ इस तरह वॉक करेंगे तो उनके लिए चैलेंज है। लीजिए जी, बिल्कुल करीब आ चुके हैं, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा था ना, हजरत सुलेमान अली सलातु वस्सलाम की कब्र, ये देखें जी, जी वो बनी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हजरत सुलेमान, मैं करीब करता हूँ, देखें जी, ये देखें जी, डॉक्टर मामसा साहब, हजरत सुलेमान अली सलातु वस्सलाम की कब्र को देखिए, और इसके साथ साथ जो कब्रें हैं, बताया जाता है कि बाकी अम्बिया अली सलातु वस्सलाम की भी है, और 70 अम्बिया अली सलातु वस्सलाम यही मदफून है ये जगह, और नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन अगली दफा इंशाल्लाह इसके लिए छोड़ते हैं, अगली दफा आगे चले और दिखाते हैं और चीज, हाँ जी और दिखाते हैं आपको, जो आप लोगों का शिकवा था ना, एतराज था, उस एतराज का जवाब भी मैं दे देता हूँ। आप हज़रात ने एतराज किया था कि मलका बिल्किस का महल या तख्त यहाँ कैसे आ गया, तो तख्त तो मैं नहीं कह सकता, महल कह सकता हूँ, वो यमन की रहने वाली थी, बिल्कुल रहने वाली थी 100%, लेकिन वो यहाँ आई थी, वो यहाँ आई थी, और आने के बाद रिवायतों में और तारीखी रिवायत से पता चलता है कि उनकी शादी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हो गई थी, तो ये उनका वो महल है, ये जो गार देख रहे हैं या जो महल देख रहे हैं, ये पहाड़ी है, और ये हजारों हजारों साल पुराना है, ये तो सारी दुनिया ये मानती है। यहाँ की हम नीचे नहीं जा रहे हैं, हम थक जाएंगे इसलिए नीचे नहीं जा रहे हैं, और आइंदा फिर नीचे जाएंगे और ये महल अंदर से आपको दिखाएंगे। आज क्योंकि काफी लंबी वॉक हो गई है, आप सोच नहीं सकते कि जितनी लंबी वॉक की, और हम पैदल हैं, गाड़ी नहीं है, ना बस है हमारे पास। ये देखें जी, ये मलका बिल्किस का जो महल आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल कहाँ है आप पूछेंगे, बैतुल मुकद्दस के बिल्कुल, बैतुल मुकद्दस लेफ्ट पे है, और इसके बिल्कुल सामने, और ये सामने जबले जैतून है, और हम यहाँ बिल्कुल नीचे और भी नीचे उतर सकते हैं। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र जो पिछली दफा दिखाई थी, और अम्बिया अलैहिस्सलाम 70 से ज्यादा अम्बिया अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं जिनको शहीद किया गया था। ये देखें जी, मैं ऊपर चढ़ा हूँ और बाबू रहमा का गेट बता देता हूँ आपको, कहाँ से रास्ता है, देख लिया, ये देखें जी, यहाँ खड़े होकर मैंने बनाई थी वीडियो, ये बोझ रहा है। वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर कीजिएगा, तो अगर पसंद नहीं आती तो फिर भी बताइएगा, लिख कर दीजिएगा, ताकि मैं फिर मजीद इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूँ।